आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है देयर इज अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप कंप्लीटली डीप्ड इन वाटर अज्यूम दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू 1 वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विथ थि फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू वट विल बी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन देखिए गाइज यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डी एस सी का जो सेटअप है ठीक है ये वाई डी एस सी का सेटअप कुछ ऐसे होता है ये और ये स्क्रीन होता है ये हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है ठीक है तो ये इस पूरे सेटअप को हमने वाटर में डिप कर दिया है ठीक है वाटर में इमर्स कर दिया ठीक है यानी बीच में ये पूरा वाटर भरा हुआ है ओके ये वाटर है और इस सिचुएशन में हमने क्या किया है कि जब लाइट जो है यहाँ पे जाके जो लाइट यहाँ पे जाके मिलती हुई लगती है यहाँ से ये स्लिट वन है ये हमारा स्लिट टू है तो यहाँ से जो लाइट निकलती है यहाँ बिल्कुल सेंटर पे जाके मिलती है ठीक है तो पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन में जीरो होता है बट हमने क्या किया है कि अब एक के यहाँ पे एक स्लिट के सामने हमने एक स्लैब uh, रख दिया है ठीक है और जो हमने इस कवर्ड विद अ थिन फिल्म फिल्म से हमने इसको ढक दिया है जिसकी थिकनेस जो है वो हमें टी दे रखी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें म्यू टू दे रखा है ठीक है और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें म्यू वन दे रखा है ओके तो इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा ठीक है गाइज तो देखिए अगर कोई भी मीडियम नहीं होता है मीडियम जो होता है वो सिर्फ एयर होता है ठीक है यहाँ पे अगर एयर मीडियम होता है उस सिचुएशन में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स ओ बोल देते हैं इसको ठीक है डेल्टा एक्स ओ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू माइनस वन इन टू टी ठीक है ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है जब कोई भी मीडियम नहीं होता है एयर मीडियम होता है या फिर वैक्यूम होता है तो ठीक है जहाँ पे म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट फिल्म होता है या फिर कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्लैब होता है ओके अब देखिएगा इस यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होती है ठीक है और यहाँ पे सराउंडिंग जो होता है एयर होता है लेकिन अब हमने अगर इसको वाटर में इमर्ज कर दिया है तो फिर उस सिचुएशन में यहाँ पे जो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो एक्चुअल में होता है वो होता है पाथ डिफरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्सो इक्वल टू म्यू रिलेटिव ठीक है म्यू रिलेटिव माइनस वन इन टू टी ठीक है

और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के लिए तो अगर ऑप्शन से मैच करते हैं तो हम लोग तो यहाँ से देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है है वो हमारे आंसर से मैच खाता यानी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो आपको समझ में आया होगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का वर हो सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर